हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश डी हजारे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आरडीएच सर। आज है 13 नवंबर 2019 और आज का जो है आज एपिसोड 63 जो है 63 वो सोनी लिव ऐप में मतलब सोनी टीवी चैनल पर आएगा। तो सोनी लिव में केबीसी प्ले अलॉन्ग में आप खेल सकते हैं और आज का जो डेली क्विज है वो हम करने जा रहे हैं सॉल्व। वैसे समय 5:15 से ज़्यादा हो चुका है, अभी जस्ट मैं स्कूल से आया हूँ और करके ये वीडियो में लेट हुआ है बनाने के लिए, पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कल हमारा 62 एपिसोड जो है वो केबीसी पर जो टेलीकास्ट हुआ और इसमें आप देख सकते हैं ये जो है जैसा कि स्क्रीन पर मेरा थंबनेल था, ये वाला थंबनेल इसमें आपको दिख रहा होगा आपने जीते हैं 7 लाख अंक, ये आपको दिख रहा होगा। और ये जब आया था इस वक्त तक हमने टोटल 8,75,100 अंक पा लिए थे और 8,75,000 मतलब 25,000 अंक वाले क्वेश्चन के लिए, 50 लाख वाले क्वेश्चन के लिए और 1,000 अंक 1 करोड़ वाले सवाल के लिए, ये तो हो गए 1,75,000 अंक। और अपोलो क्वेश्चन जो आता है उसमें 100 अंक मिले थे और साथ में ये 7 लाख अंक जो मिले हमको टोटल मिला के कल का जो डैशबोर्ड है, कल का लीडर बोर्ड है, इसमें 8,75,100 अंक हमको मिल गए हैं। ये देख सकते हैं आप 25,000 अंक हमको मिले थे, 50,000 वाले का मैंने शॉट नहीं निकाला था स्क्रीनशॉट, 1 लाख जब मिले उसमें भी स्क्रीनशॉट नहीं निकाला था और ये जब 7 करोड़ का हमारा सवाल सही हुआ था तब इसमें ये था, मतलब ये आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। और अभी जो है अभी हम खेलेंगे हमारा डेली क्विज, ये डेली क्विज ओपन हो रहा है और ये डेली क्विज है। पहला सवाल आ रहा है दोस्तों आज 13 नवंबर 2019 का डेली क्विज का, इनमें से क्या चेन्नई शहर का एक पुराना नाम है, मदुरई, मछलीपट्टनम, मद्रास और मैसूर। सही जवाब है इसका मद्रास, इसको हम लॉक करने जा रहे हैं। मैं स्कूल से अभी आया करके वीडियो लेट बन रही है और अभी शायद आपको लेट हमेशा शुरुआत में जैसी होती थी वैसी लेट ही जाएगी। तो हमने केबीसी खेलना बंद नहीं किया है, हम खेल रहे हैं। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन है अभिनेत्री लारा दत्ता ने किससे शादी की है, रोनित रॉय, महेश भूपति, अभिनव बिंद्रा और आदित्य राय कपूर। इसका सही जवाब पहले से हमको मालूम है, इसका जवाब है महेश भूपति। तो महेश भूपति बिल्कुल सही जवाब है, आप देख सकते हैं। दूसरा सवाल भी हमारा जवाब हमारा सही हो गया है, 100 अंक मिल गए हैं, 200 अंक हमारे टोटल। तीसरा सवाल आया है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूषक यानी चूहा किस हिंदू भगवान का वाहन है, इसमें भी ऑप्शन की जरूरत नहीं है। गणेश, शिव, इंद्र और कृष्ण में से शिव जी के लड़के मतलब गणेश जी के वाहन है मूषक यानी कि चूहा। तो ये भी सही जवाब है, कल हमारे पूरे जवाब सही हुए थे कल के एपिसोड के, कल 62nd एपिसोड के केबीसी का टेलीकास्ट हुआ उसमें पूरे जवाब हमारे सही थे। एक बाय मिस्टेक थोड़ा गलत भी हुआ था, मतलब समय की वजह से या हमारी टेक्निकल रीजन से हमारा लॉक नहीं हुआ, वरना कल का हमको कैश प्राइज भी मिलता शायद। भारत के इनमें से किस राज्य की आबादी सबसे कम है, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, असम और बिहार। अगर आपको 2011 में जनगणना हुई अगर आप उसके बारे में आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि सिक्किम की जो आबादी है वो सबसे कम है। बिल्कुल सही उत्तर आपका, क्या बात है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव या फीडबैक तो उसको कमेंट करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा क्योंकि अभी भी टाइम काफ़ी है, तो आप शेयर जरूर करें, आपके दोस्तों की भी जो है रैंक बढ़ेगी। और इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी भारत की आज़ादी के समय जीवित नहीं थे, यह है सवाल। सवाल नंबर 5, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल थे, लाला लाजपत राय नहीं थे। लाला लाजपत राय का जो मृत्यु है वो भारत आज़ाद होने के पहले ही हो गया था। तो 5 सवालों के 5 सवाल मिल चुके हैं। इनमें से किस सेलिब्रिटी ने संगीत निर्देशन और प्लेबैक सिंगिंग के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है, यह है सवाल नंबर 6, विशाल दादलानी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कपिल शर्मा और चंकी पांडे। चंकी पांडे एक्टर है, कपिल शर्मा कॉमेडियन है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ स्पोर्ट्समैन है और विशाल दादलानी है सिंगर, इंडियन आइडल के एक जो है एक जज का काम करते हैं विशाल दादलानी। विशाल शेखर की जोड़ी आपको पता होगी, विशाल शेखर में से विशाल दादलानी इसका सही जवाब है। और अगला सवाल आ चुका है, इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय दिल्ली में स्थित है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय मतलब कि JNU, यही है सही जवाब। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय मुझे आइडिया नहीं है, विश्व भारती विश्वविद्यालय यहाँ नहीं है, उस्मानिया विश्वविद्यालय भी यहाँ नहीं है। JNU बिल्कुल सही है, JNU और DU दिल्ली के एकदम फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं और इग्नू का भी हेडक्वार्टर मेरे ख्याल से जो मुक्त विद्यापीठ है वो भी दिल्ली में ही है जहाँ पर।
तो इनमें से क्या मानव के दांत का प्रकार नहीं है? हाँ, ये सवाल थोड़ा सा है हमारे लिए भी चैलेंजिंग। केनाइन, मोलर, फीमर, इंसाइजर। मुझे फीमर लग रहा है, पर मैं श्योर नहीं हूँ इस आंसर के बारे में। मैं लाइफ लाइन ले रहा हूँ, सिक्योर कर रहा हूँ आंसर, ताकि अगर गलत हुआ तो 50 पॉइंट मिल सके, आधे पॉइंट। मैं फीमर को लॉक कर रहा हूँ, देखते सही है कि गलत। बिल्कुल सही उत्तर आपका। सही है, मुझे हालांकि डाउट था इस बारे में। अगला सवाल आ चुका है, यह है सवाल नंबर 6। 8 सवालों के सही जवाब देने की वजह से हमको मिल चुके हैं। इनमें से किस महिला खिलाड़ी ने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्क्वैश खेल में रजत पदक जीता है? आपको पता होगा वैसे इसका आंसर है दीपिका पल्लिकल। ऑप्शन तो हम अभी देखेंगे, अश्विनी पोनप्पा, तेजस्विनी सावंत, ज्वाला गुट्टा, दीपिका पल्लिकल। दीपिका पल्लिकल सही जवाब है इसका। बिल्कुल सही उत्तर आपका, क्या बात है। और आखिरी सवाल आ रहा है दोस्तों, आखिरी सवाल है, हर्ष नाम का हिंदी में क्या अर्थ होता है? आकर्षक मतलब अट्रैक्टिव हर्ष नहीं होता, बुद्धिमान मतलब इंटेलिजेंट, ये भी नहीं होगा वैसे, हर्ष भी हिंदी नाम है, विजेता विनर ये भी नहीं होगा, खुशी, हर्ष का मतलब होता है खुशी। तो देख सकते हैं आप, हमारे 1000 अंक हमारे पूरे के पूरे सही है। और हमारी लीडर बोर्ड में फिर से पोजीशन, मतलब हमारे, आपको पता होगा हमारी जो रैंक की थी बहुत डाउन हो गई थी बीच में, क्योंकि वो हमारे पूरे अंक चले गए थे। उसके बाद से हमने आपको बताया कब हुआ ये सब, 21 अक्टूबर को ये सब हुआ था। और उसके बाद में 21 अक्टूबर के बाद अभी जो है सिर्फ 9 और 13, मतलब 18, अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, उसके समय में हमने फिर से हमारी रैंक 7,85,851 अंक पर आ चुकी है। ये बहुत रैंक नहीं है, अभी अगर शायद हम टॉप 100 में रहते, अगर हम सही तरीके से हमारी रैंक रही थी तो, पर हमारी रैंक बीच में हमारा पूरा लीडर बोर्ड रिफ्रेश हुआ था हमारा अकाउंट, और उसके बावजूद हमने ग्रो किया है। और जो लोग कहते हैं कि भाई, मतलब कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ये सिर्फ आंसर देता है या फेंकता है, पर ये पता होगा इसमें आपको, हमको ने प्रूफ के तौर पर दिखाया है कि हमारा 7 लाख का भी कर, ये 7 करोड़ का भी अंक हमारा सवाल का जवाब सही है। अब तक 4 बार करोड़पति बन चुके हैं 4 कंटेस्टेंट, और चारों कंटेस्टेंट को जो 7 करोड़ के सवाल आए थे, 7ों के 7 चारों बार हमारे जवाब सही थे, ये भी एक इसका प्रूफ आपको दिख रहा होगा। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव या फीडबैक है उसको भी जरूर कमेंट कीजिएगा, और साथों साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अभी भी टाइम है, भले ही ये लेट वीडियो हो रही है, उसके बावजूद फिर भी करीब 2 घंटे के करीब करीब आपको टाइम मिलेगा। तो 8 बजे के पहले इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि आपके जो दोस्त वगैरह जो KBC प्ले अलॉन्ग खेलते हैं वो डेली क्विज खेलकर 1000 अंक कमा सके और अपना लीडर बोर्ड में ग्रो, अपनी जो रैंकिंग है वो सुधार कर सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वो बेल आइकॉन है उसको भी जरूर प्रेस करें। ये वीडियो देखने के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं था राजेश, थैंक यू सो मच।